नमस्कार, स्वागत है आपका बोल बिंदास में। मैं हूं आपके साथ आशीष कुमार। दिल्ली में हुई फिल्म रांची डायरीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मूवी के कलाकार अनुपम खेर, हिमांश कोहली, सौंदर्य शर्मा और उनके साथ फिल्म के डायरेक्टर व प्रोड्यूसर मौजूद थे। आइए जानते हैं उनसे इस फिल्म के बारे में कुछ और खास बातें। आपको मैं थोड़ी सी इसकी कहानी बताता हूँ, ये फिल्म का मैं प्रोड्यूसर कैसे बना, उसके बाद मैं आपकी मुलाकात फिल्म के बाकी लोगों से करवाऊँगा और उसके बाद फिर हम आगे का कार्यक्रम शुरू रखेंगे। तो आज से 1.5 साल पहले मेरे पास एक नौजवान राइटर डायरेक्टर आया, उनका नाम सात्विक मोहंती है, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने एक फिल्म लिखी है और मैं इसे डायरेक्ट करना चाहता हूँ और इसमें आपके लिए एक बड़ा अच्छा रोल है ठाकुर भैया का, और आप उस फिल्म में, मैं चाहता हूँ कि वो हमारी फिल्म के मेन विलन है और आप वो रोल करिए। तो मेरी पहला रिएक्शन था कि बहुत दिनों से किसी फिल्म में विलन का रोल नहीं किया तो एक अलग किस्म का रोल करने को मिलेगा। मैंने उनसे रोल सुना, कहानी सुनी, मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल धरती से जुड़ी हुई, हम सब लोगों की कहानी, आपकी कहानी, हमारी कहानी, तो कहानी के साथ साथ मुझे अपना किरदार भी अच्छा लगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी फिल्म कर रहा हूँ, अब आपका काम हो गया, अब आप अपने प्रोड्यूसर को भेज दीजिए और उनसे हम बाकी की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी कर लेंगे। तो उसने बड़ी मासूमियत से 30 सेकंड का पॉज लेके बोला कि मेरे पास प्रोड्यूसर नहीं है। मेरा प्रोड्यूसर नहीं है तो फिर यहाँ मुझे क्या बात करने आया। उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहता था कि आप तो रोल अगर पसंद आ जाए तो मेरे पास किसी प्रोड्यूसर को बताने का एक मौका होगा कि ये अनुपम जी भी ये फिल्म कर रहे हैं। तो मैंने कहा एक काम करो, जब तुम्हारे पास प्रोड्यूसर मिल जाए तो मेरे पास आ जाना, अभी आप अपने घर जाओ। उसके तकरीबन 2 महीने बाद फिर मैंने सात्विक को याद किया, मुझे लगा कि देखता हूँ उनको कोई प्रोड्यूसर मिला कि नहीं मिला, मुझे कहानी अच्छी लगी थी, रोल अच्छा लगा था, मैं करना चाहूँगा, या हो सकता किसी और को नहीं ले लिया उसने। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आपके पास प्रोड्यूसर मिले आपको? तो उन्होंने कहा जी नहीं मिले, मगर जैसे मिलेंगे आप अपना इंटरेस्ट मत खोइए मेरे इस प्रोजेक्ट में। मुझे लगा कि बहुत साल पहले, आज से 36 साल पहले मुंबई में मैं भी अपने कुछ सपने लेकर आया था और मैंने भी सोचा था कि मेरे को कोई मिलेगा जो मुझे मेरे सपने पूरे होने में मदद करेगा। तो मैंने सात्विक से कहा कि ठीक है, मैं आपके लिए प्रोड्यूसर ढूंढता हूँ, मैं आपके लिए एक ऐसी शख्सियत ढूंढता हूँ जो इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए रेडी होंगी। तो फिर 5-6 महीने में काफ़ी लोगों के चक्कर काटता रहा एज ए प्रोड्यूसर, वॉन्टिंग टू गेट मनी टू बी प्रोड्यूस, टू हेल्प प्रोड्यूस दिस फिल्म। मैं अपना नाटक कुछ भी हो सकता करने के लिए अहमदाबाद गया हुआ था और अहमदाबाद में हमारा एक नाटक का आयोजन कर रहे थे कोकोनट इवेंट्स वाले। तो मुझे लेने के लिए कोकोनट इवेंट्स के जो मालिक हैं रश्मि मजीठिया जी, वो मेरे जाने वाले निकले और उन्होंने मुझे मेरी फिल्मों में पसंद किया है तो वो खुद आए मुझे लेने के लिए। जब मैं उनके साथ वापस होटल जा रहा था अहमदाबाद एयरपोर्ट से, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी जर्नी के बारे में बताइए, लाइफ की जर्नी के बारे में। तो उन्होंने जब अपनी लाइफ की जर्नी बताई, उससे मुझे लगा कि ये बहुत खूबसूरत जर्नी है, बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी है। मैंने कहा देखिए अच्छा ठीक है, आपने अच्छा नाम बनाया है, अब आप क्या करना चाहते हैं? उन्होंने कहा मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो मेरे को सडनली सात्विक का ध्यान में आया, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास एक ऐसी फिल्म है, कहानी है, अगर आप उसमें प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं तो उसमें आप पैसा लगा सकते हो तो हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपने कहानी सुनी है? मैंने कहा मैंने सुनी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं रोल भी कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा डन। ऐसे इस फिल्म की शुरुआत हुई थी। रांची डायरीज, डायरी इज अ वेरी गुड वर्ड बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स इन डायरी, यू नो, योर स्टोरी, योर लाइफ एक्सपीरियंस, द वे यू वांट टू सी थिंग्स, एंड दिस स्पेशल फिल्म इज वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी बिकॉज अनुपम खेर एक्टर प्लेज फर्स्ट फिल्म। It is made by youngsters who believe in themselves. It is, the story is very, very interesting because it fits the small town dreams of youngsters. You know. Ranchi Diaries has given wings to Gudiya's and Sondarya's, both of our dreams. And I'm feeling very fortunate and blessed that I'm starting my journey with such a film, just way many मुझे अपने एक्टिंग स्किल्स को प्रूव करने का एक मौका मिला, एंड येट आई हैव 3 अमेजिंग सॉन्ग्स
तो मेरी शुरुआत के आई थिंक इससे अच्छा नथिंग कुड हैव बीन बेटर फॉर दिस फॉर मी. ऑल्सो आई थिंक ये जो कैरेक्टर है गुड़िया का इज वेरी मच लाइक मी. गुड़िया पूरी फिल्म में पॉजिटिविटी की बात करती है. वो बोलती है कि मुझे पॉप सेंसेशन शकीरा बनना है. और आई मीन आप उसकी कैरेक्टर से ही रिलेट कर पाएंगे, देख पाएंगे कि टू बी समवन बिग इन आवर टुडेज लाइफ वी डोंट हैव टू बी परफेक्ट बिकॉज वी ऑल आर फ्लॉड. वी डोंट यस दे डू टेक शॉर्टकट्स बट इट डजंट मीन कि आप शॉर्टकट ले रहे हो तो आप गलत ही करोगे. आई मीन आप ड्रीम देखते हो तो शॉर्टकट लेने का भी मन करता है. द जर्नी इज अबाउट दैट. सो हाउ डू दे एंड अप मेकिंग इट बिग विद दोस इन अ कॉमिकल मैनर इज रांची डायरीज. इट्स अ वेरी फनी स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी. और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि डायलॉग बहुत अलग था. फर्स्ट फिल्म से इतना चैलेंजिंग कैरेक्टर मिला. हमने 3 मंथ्स की वर्कशॉप करी थी. तो कुछ ऐसी होगी रांची डायरीज. अब देखना ये हुआ कि आने वाले 13 अक्टूबर को रिलीज होने वाली ये फिल्म लोगों को कितनी पसंद आती है. कैमरा पर्सन विक्रांत के साथ मैं आशीष कुमार, बोल विंदास, न्यू दिल्ली.